गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है कि आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम है मंजूर। तो गए आज हम एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो बहुत कमाल की होने लगी है। आज हम जानेंगे महिंद्रा एक्सयूवी के बारे में। भाई महिंद्रा जो है ना, बहुत महिंद्रा जो भी आ रही है प्यारी आ रही है भाई, बिल्कुल। लेकिन ये जो है ना, ये दूसरा मॉडल है, उससे ज्यादा प्यारी है। वो भी प्यारी है, लेकिन वो भी ज्यादा प्यारी है। वीडियो देख के हम अंदाजा लगाएंगे कि कौन सी प्यारी है। तो वैसे तो सभी प्यारी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसको ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी देरी के काउंटडाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज के वीडियो में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं महिंद्रा की ऑल न्यू इलेक्ट्रिक कार कॉन्सेप्ट्स के बारे में। वैसे ये कॉन्सेप्ट नहीं है, चल सकती है। और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें जो है यहाँ पे महिंद्रा ऑफर करने वाला है। दो ब्रांड्स है, एक्सयूवी ब्रांड जो इलेक्ट्रिक हो गया है, और बी ब्रांड की बात हम अलग वीडियो में करेंगे। यहाँ पे एक्सयूवी E8 और एक्सयूवी E9 की बात करेंगे, जो कुछ ज्यादा जल्दी आएगी। इंटीरियर एक्सटीरियर सब चीजों की बात करते हैं, क्या क्या चीजें ऑफर की जाएगी, प्लेटफॉर्म जो है वो कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या चीजें दी जाएगी, उन सब चीजों की बात करते हैं। चलिए ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। और चाबी जो है भैया ऐसी की ऐसी है, महिंद्रा ने कोई चेंज नहीं किया। वेल एक्चुअली चेंज किया जाएगा, बट ये प्रोटोटाइप है। काफी सारी चीजें ऐसी है जो की एग्जैक्टली एज इट इज नहीं आएगी, मैं आपको बताता जाऊंगा क्या आएगी। बट काफी सारी चीजें जो आपको देख के आइडिया लग जाएगा कैसी लगी। सबसे पहले एक्सयूवी E8 है, इसके बाद में आपको E9 दिखाऊंगा और प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा जिसपे बनी हुई है। हाउएवर वो प्लेटफॉर्म इसके अंदर अभी नहीं है, महिंद्रा ने सिर्फ प्रोटोटाइप बनाया। ये एक्सयूवी 700 ही है, और 700 जैसी ही दिखेगी इट्स जस्ट प्लेटफॉर्म चेंज हो जाएगा, और अंदर बैटरी पैक वगैरह जो है वो कैसे होंगी उसकी भी मैं अभी बात यहाँ पे जो है करता रहूंगा। तो आप जो है आगे की तरफ फ्रंट से शुरुआत करते हैं। फ्रंट काफी चेंज जो है वो यहाँ पे हो गया है, फ्रंट ज्यादा बेटर लग रहा है एक्सयूवी 700 से भी। यहाँ पे एक लंबी DRL आप देख सकते हैं, यहाँ लाइट्स है, ये थोड़ी देर में बंद होगी, मैंने अंदर से बंद कर दिया। WLED नहीं है, वेल एक्चुअली वो ट्विन पीक्स का लोगो जो है महिंद्रा का वो है, तो महिंद्रा LED प्रॉब्ली आप इसको कह सकते हो। और डिजाइन जो है वो बेसिकली अभी मैं आपको एक्सयूवी E9 में दिखाऊंगा, ये ऐसे ही रहने वाला है, ऐसा नहीं है बन जाएगी ऐसा कुछ, ये बंद ही जो यहाँ पे रहेगा, एरोडायनामिक्स के लिए बेटर होता है। यहाँ पे आपके पास में जो है कुछ स्लैट्स है, ऑब्वियसली यहाँ से एयर इनटेक जो है वो चालू रहेगा, जो कि बैटरी कूलिंग वगैरह में मदद यहाँ पे करेगा। उसके अलावा आप जो है महिंद्रा ने दो ब्रांड यहाँ पे लॉन्च किया, एक्सयूवी ब्रांड और बी ब्रांड, जो बीई एक्चुअली है, उससे थोड़ी सी सिमिलर लगेगी। ये वाला एसयूवी है, दूसरा कूपे होगा जो एक्सयूवी E9 में अभी आपको दिखाऊंगा। पहले इसके अंदर चलते हैं, एक्चुअली एक बार वॉक अराउंड करता हूँ, मैं चीजें दिखाता हूँ, कुछ चेंजेस यहाँ पे जो होंगे। तो यहाँ पे टायर्स जो है, व्हील्स जो है उनकी साइज चेंज होगी। टायर जो है महिंद्रा बोल रहे हैं कि वो और ज्यादा कम रोलिंग वाले 5.5 इस्तेमाल करने वाले हैं, थोड़े से व्हील के डिजाइन में चेंज यहाँ पे डेफिनेटली दिए जाएंगे। ये पर्टिकुलर गाड़ी रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव दोनों में मिलेगी। जी हां, इस तरह से किसी कमाल की लग रही है ना, ये रियर व्हील ड्राइव होने वाली है। और आपको रियर व्हील ड्राइव में जो है 290 हॉर्स पावर गैस, जो कि काफी पावर है एक्चुअली, और ऑल व्हील ड्राइव में 390 हॉर्स पावर तक मिलेगा। अभी आप थोड़ा सा फ्लोर नीचे तक देख पा रहे हैं, बट जो एक्चुअल जब इंग्लो जैसे इंग्लो प्लेटफॉर्म पे जब आएगी तो ये थोड़ा सा स्पेस जो है नीचे की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। रियर से भी काफी हद तक सिमिलर लगती है एक्सयूवी 700 में। तो जिन लोगों को 700 की डिजाइन ऑलरेडी पसंद आ रही थी, आप ये मान लीजिए हल्के फुल्के चेंजेस के साथ में आपको एक्सयूवी E8 जो कि एक्चुअली सबसे पहले आने वाली है 2024 में ही वो आ जाएगी, तो वो आपको यहाँ दिखाई। हाउएवर ये सबसे पहली महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार नहीं होने वाली है, मतलब वैसे तो महिंद्रा ने रेवा दी है, बट अभी आपको एक्सयूवी 300 का इलेक्ट्रिक वर्जन, एक्सयूवी 400 जो है नेक्स्ट मंथ ही देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज जो है यहाँ पे है। अब मैं क्योंकि अंदर चल लेता हूँ, ट्विन पीक्स का लोगो थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो कि अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ इंटीरियर में क्या कुछ है। अगर आप ऑनेस्टली फर्स्ट ग्लांस में जो है इंटीरियर में कोई चीज यहाँ पे नजर नहीं आएगा, और वही महिंद्रा का आइडिया कि उनको एक्चुअली इंटीरियर में कोई चेंज नहीं करना है, सिमिलर से ही रखना है, सीट्स वगैरह सब सिमिलर सी लगेगी, थोड़ा सा अपहोल्स्ट्री ये भी कितनी कमाल है भाई, शाउट नहीं करेगी गाड़ी की, वो बैटरी अलग होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाउएवर अगर आप क्लोजली देखेंगे तो धीरे धीरे आपको कुछ कुछ चेंजेस नजर आएंगे, जैसे कि स्टीयरिंग व्हील पे जो लोगो है ये अब चेंज कर दिया गया, और सबसे बड़ी चीज की स्क्रीन यहाँ पे 1, 2, 3 क्यों दी गई है। वेल ये आपके ड्राइवर के लिए जो टिपिकल इंफॉर्मेशन तक आप देखते आए हैं वो सब चीजें ही यहाँ पे है, जैसे कि आप
स्पीडोमीटर है आपकी, उस रेंज कितनी है, PRNDS कौन से मोड में है, क्या अभी अपने आप चल रहा है, मैं चला नहीं रहा हूँ गाड़ी, ये जैसे प्रोटोटाइप है तो दिखा रहा है। यहाँ पे कितना किलोवाट जो है आप पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गाड़ी दो पावर ऑप्शन में आएगी, 290 हॉर्स पावर तक अगर रियर व्हील में सिर्फ ले रहे हो तो, और अंदर से भी काफी कमाल की यार, अगर बहुत चेंजिंग की है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं ये अगर चेंजिंग करते तो फिर क्या कमाल होगा। अभी भी एंड्रॉइड फॉर कमिंग सून में भी सही बात है, में भी वो चीज जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हो उसके। ओके मैंने गलती से इसको बंद कर दिया है, मैं इसको वापस चालू कर देता हूँ। एनीवे तो यहाँ पे जो है आप वो टिपिकल चीज़ है, म्यूजिक सिस्टम वगैरह, ड्राइवर को अगर कुछ सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी है तो वो, ये वाला पार्ट जो है जहाँ वो अभी ग्रीन स्क्रीन आ गई है यहाँ पे एक्चुअली, जो पैसेंजर है वो काफी हाँ। देख सकता है, ये पता नहीं क्यों डिस्को कर रहा है यहाँ पे, टेक्निकली ये काम करना चाहिए इसमें, आप जो है जो पैसेंजर है वो कई वीडियोज वगैरह कई चीजें देखता है, एक्चुअली काफी गर्म हो गया है, चल रही है अपने आप इसलिए गर्म हो गया, बट यहाँ पे यूट्यूब वीडियोज वगैरह कुछ भी चीजें देखी जा सकती है। इनफैक्ट जो पैसेंजर है वो बैठा बैठा वीडियो कॉल ऑडियो कॉल मीटिंग्स वगैरह जो है कुछ भी जूम जैसी चीज ऐप जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे चल सकता है। उसके बाद में कुछ चेंजेस इधर गियर लीवर जो है या टेक्निकली आपके नॉट रॉन्ग, एक बार और प्रेस करने पे चलेगा, हाँ अभी चलने लगा है PRND और रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव के भाई, देखो अलग अलग मोड आ रहे हैं, पहले नहीं था ये जो है खिसक रहा है थोड़ा सा, ये अलग है ऑब्वियसली चेंज होगा, अभी जैसा दिया गया वैसा नहीं है, और कुछ मोड यहाँ पे आप बस मोड दिए जाएंगे डिपेंडिंग, अगर आपने ऑल व्हील ड्राइव दिया तो यहाँ पे मोड सेलेक्टर भी होगा कि ऑल व्हील ड्राइव को आप कैसे किस लॉक रखना चाहते हैं या क्या रखना चाहते हैं, वो चीजें भी दी जाएंगी। बाकी वही चीजें हैं आपका सनरूफ जो फेवरेट चीज है वो, और ये स्क्रीन अनफॉर्चुनेटली चल रही है, वरना मैं आपको बताता कि क्या कुछ दिख रहा है, अच्छी दिख रही है स्क्रीन, यहाँ पे आप म्यूजिक वगैरह काफी सारी चीजें जो है वो देख सकते थे। तो ये चीजें जो है अंदर की तरफ है, अभी वापस लौटते हैं तो अब रियर में जो है मैं चलता हूँ, रियर में आपको बताता हूँ क्या सब चीजें, रियर में भी चीजें सारी की सारी सेम ही रहने वाली, यहाँ पे कोई भी चेंजेस ऐसे जो है रियर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इस जस्ट क्योंकि नया प्लेटफॉर्म होगा, बीच में हम्प वगैरह चले जाएंगे, थोड़ा सा बेटर यूटिलाइजेशन वहाँ उस चीज का जो है डेफिनेटली महिंद्रा कर सकती है, और आई थिंक 7 सीटर जो है इसको नहीं रखा जाएगा, तो वो एक जरूर बदलाव जो है रियर में यहाँ पे सकता है। अब चलता हूँ मैं आपको प्लेटफॉर्म और XUV E9 जो है वो दिखाता हूँ, ये साउंड करेगी क्योंकि मैंने चाबी बाहर रख ली, चाबी मैं अंदर रख देता हूँ वापस, और ये है वो दूसरी गाड़ी XUV E9 जिसकी मैं बात करता हूँ, बट इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वो प्लेटफॉर्म जिस पे ये गाड़ी बेस होगी, जिस पे XUV E8 जो बार गाड़ी बेस होगी, किंग ग्लो प्लेटफॉर्म, दैट मींस इंडिया ग्लोबल बाय महिंद्रा, प्लेटफॉर्म महिंद्रा का है, हाउएवर कुछ कंपोनेंट्स हैं सेल के, मतलब बैटरी सेल के, जो कि फॉक्सवैगन ग्रुप जो है उनसे यहाँ पे लिए जाएंगे, सही कमाल है और सही मजबूत भी लग रहा है, इनफैक्ट सबसे बेटर चीज यही दिख रही है यहाँ पे, तो मैं आपको समझाता हूँ, आपको थोड़ा सा मतलब मेरे को समझाने का जब मौका मिला है, तो बेसिकली ये बैटरी पैक जो है वो आपको यहाँ मिलेगा, प्लेटफॉर्म जो है उसके नीचे माउंटेड होगा, और ये वेरी करेगा, 60 किलोवाट भी हो सकता है, 80 किलोवाट भी हो सकता है, डिपेंड चाहते हो या LPF टेक्नोलॉजी जो है वो लेना चाहते हो, दोनों टेक्नोलॉजी में थोड़ा थोड़ा फर्क है, कभी आराम से बैठ के AGBG में समझाऊंगा, बट साथ ही में आपको जो है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पावर जो है वो भी ले सकते हो। तो रियर व्हील ड्राइव जो है, प्राइमरी सारी गाड़ियां रियर व्हील ड्राइव होगी, उसमें आपको अप टू 290 BHP की पावर जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी, वैसे किलोवाट में मेंशन किया जाना चाहिए, बट अपन क्योंकि BHP में ज्यादा समझते तो मैंने आपको बता दिया। However, अगर आप ऑल व्हील ड्राइव लेंगे तो जो कंबाइंड पावर है वो अप टू 390 हॉर्स पावर चली जाएगी, और जो SUVs सारी जो है ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शन के साथ में आई बिलीव आएगी, अपार्ट फ्रॉम द लोअर SUV शायद वो ना जो वाली बॉर्न इलेक्ट्रिक वाली है, और XUV जो है उनके साथ में ऑल व्हील ड्राइव ऑफर किया जाएगा, चार्जिंग जो है 175 किलोवाट फास्ट चार्जिंग अप टू 175 किलोवाट करेगा, आई बिलीव जब तक ये गाड़ी आएगी तब तक इंडिया में 170, 175, 190 ये किलोवाट के चार्जेस जो है वो भी काफी कॉमन वहां पे हो जाएंगे। उसके बाद में ADAS जो है वो लेवल 2 का मिलने वाला है, बट ADAS की बात करते हैं इसमें इंडिया में तो यार बहुत ही तरक्की कर दी है, तो ADAS जो है लेवल 2 प्लस ऑटोनॉमस आपको मिलेगा, 5 RBS जो है वो टेक्नोलॉजी आगे की तरफ जो है थोड़ी सी डिजाइन आपको सिमिलर लगने लगेगी EV जो 8 है उसके मुकाबले यहां पे, बट क्योंकि वो कंप्लीटली XUV 7W जैसी है यहां पे थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, लाइट्स जो है वो सिमिलर सी है, अगेन ये ग्रिल जो मैं मेंशन कर रहा था
आपको वो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे इवेंट्स जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि एडास होगा उसके लिए रडार नंबर प्लेट और जो बनाया गया है। महिंद्रा का जो ट्विन पीक्स लोगो है वो एक्सयूवी ब्रांड के ऊपर रहेगा, नॉन इलेक्ट्रिक ब्रांड जो है जिसकी वीडियो मैं अलग बनाऊंगा उस पर नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको जो है कुछ इस तरीके का ओआरवीएम मिलेगा, फ्लश टाइप डोर हैंडल मिलेंगे जो कि आप देख सकते हैं, रियर भी थोड़ा सा बड़ा है इस पर्टिकुलर गाड़ी का। अपने जो 09 है, जो हमारा XUV 08 है वो एग्जैक्टली XUV 700 जैसा है, बट ये यहाँ पे कूपे वर्जन जो है वो इसका दिया गया है। उसके बाद में एक चीज मुझे और आपको जो है वो दिखानी थी, और वो ये कि ये पर्टिकुलर जो गाड़ी होगी XUV ब्रांड जो होगा वो XUV ब्रांड के रिलेटेड ही रहे, मतलब इट्स नॉट कि स्कॉर्पियो में इलेक्ट्रिक आएगा तब भी सिमिलर चीज़ होगी, ऐसा महिंद्रा का अभी कोई प्लान नहीं है। एज ऑफ नाउ सिर्फ XUV ब्रांड एक रखा गया, और दूसरा ब्रांड जो है जिसकी वीडियो अलग होगी वो बॉर्न इलेक्ट्रिक ब्रांड है, वो कोई भी डिजाइन एग्जिस्टिंग महिंद्रा कार से रिजेम्बलेंस लगेगी नहीं आपको। तो ये चीज़ें जो है बिफोर एमी, उसके बाद में जो कार है वो देख सकते हैं, प्रोटोटाइप जो है वो चलाते हैं XUV E8 जो है उसका, ये क्या कुछ चीजें हैं आप देखो, ये मतलब फिनिश चीज तो ये है नहीं, और स्पीड स्पीड कुछ नहीं दिखा रहा है पहले कुछ भी अतरंगी, वो क्योंकि ये डिस्प्लेज जो है वो कार से कनेक्टेड नहीं है, बस दिखाती है कि कैसी चीजें जो है वो ओवरऑल दिखने वाली है। तो मैं जो है ऐसे ही बस घुमाता हूँ थोड़ा इधर उधर, खामोश गाड़ी है भाई, आवाज ही नहीं आ रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि स्टार्ट है। चलाने के बारे में बात करने का कोई सेंस नहीं है बिकॉज ये प्रोटोटाइप है एंड ऑल्सो इट इज एम्बार्गोड, तो वैसे में कुछ बात नहीं है, ना ही कोई सेपरेट वीडियो में इसको चलाने का बनाऊंगा, क्योंकि मुझे उसके बारे में ऐसे कोई बात करनी ही नहीं है क्योंकि ये प्रोटोटाइप है अगेन, सो वो चीजें हैं। बट हाँ, मैंने ऐसे एक्सपीरियंस के लिए मजा आ रहा था इसलिए चला ली मैंने, ऑनेस्टली मजा क्यों नहीं आएगा भाई, इतनी कमाल की गाड़ी जो है, कैसा लगा अगर आप पूछोगे कमेंट में तो मैं बता सकता हूँ एक टाइम के बाद में जब एम्बार्गो हट जाएगा, था बट अभी वीडियो में कुछ नहीं बताना है मुझे। तो ये सब कुछ है महिंद्रा का जो XUV E8 और E9 जो है, और जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में, जो बी कार्स है, जो बी कॉन्सेप्ट है, जो अलग ब्रांड है कम्प्लीटली, उसकी वीडियो जो है इसके बाद आएगी, उसमें भी एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग चीज है, इसके बाद महिंद्रा फील्स बहुत है, मतलब कोई भी महिंद्रा से जुड़ी हुई फील आपको वहाँ नहीं आएगी, एकदम अलग एकदम फ्यूचरिस्टिक डिजाइन जो है वो आपको वहाँ देखने को मिलेगी। कुछ कुछ लोग उसको टेस्ला से जरूर रिलेट कर सकते हैं साइबर ट्रक से, बट उसकी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। तो यार इसी के साथ ही हमारी वीडियो खत्म हुई, तो आप सब भाइयों ने देखा यार कितने ओसम किस्म की लेवल की कार ये यार, ये बहुत खुश नसीब है मैं बता रहा हूँ यार, महिंद्रा की ये जो महिंद्रा जो कंपनी है यार बहुत कमाल सही है यार, इंडिया में जो है ना ये काफी कमाल लेवल में जा रही है, इस तरह की गाड़ी मैंने यकीन मानो किधर नहीं देखी, किसी मुल्क में नहीं देखी। आगे से फ्रंट देखो, बैक लुक देखो यार, लाइटिंग चेक करो, हर चीज में यार कमाल है यार, हर चीज में जो है इंडिया हाँ बैटरी इतना आगे पहुंच गया ना, हाँ इलेक्ट्रिक में है ना, अभी इसका एक और मॉडल आ रहा है वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ, वो भी आ रहा है प्यारा, वो जब रिलीज होगा वो कितना कमाल होगा भाई, सनरूफ कितना यार, वो तो लेवल है भाई उसका, मैं देखती ही मेरा दिल खुश हो गया यार, ड्राइव ले रहा था यार चुपचाप, गाड़ी थी यार कितनी, यकीन नहीं आ रहा था कि ये चल भी रही है, इस तरह लगता है जिस तरह बंद है और कोई धक्का लगा रहा है, इतनी खामोशी से जा रही है, और स्टार्ट हुई है चुपचाप स्टार्ट हुई है, कुछ भी आवाज नहीं, इतनी आवाज नहीं थी यार, अगर यार ये पाकिस्तान में होती ना यकीन मानो बहुत लेवल होता है यार, पाकिस्तान में यहाँ बना ही नहीं रहे कुछ, अफसोस है भाई हमें इस चीज का अफसोस है यार, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज नहीं बन रही, फैक्ट्रीज नहीं है, ये इम्पोर्ट हो रही है सारी, ये इंडिया वाले हैं जो महिंद्रा अपनी कंपनी है भाई, इनकी मेहनत अपना और थ्री सीटर थी यार, थ्री सीटर क्या कमाल कर रहा है, वो ब्लू कलर में और भी कमाल लगा, और वो स्क्रीन देखी थी डैशबोर्ड के आगे जो सब जो बैठा जो ना हो सके वो हर चीज अपनी मर्जी से लगा सकता है, वो देखा था कितना औसम था यार। तो यार आपको ये कार कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो यार बाय।